नमस्ते दोस्तों, आप लोग ने लास्ट वीडियो में देखा था कि मिडल स्प्लिट की कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिससे आप अपने गैप को रिड्यूस कर सकते हैं और साथ में उन मसल्स को कैसे स्ट्रेच करना है जो कि मिडल स्प्लिट करने में आपको हेल्प करती है। लेकिन आज के इस वीडियो में आपको सेकंड पार्ट में पता चलेगा और भी ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनका अभ्यास करके आप अपने मिडल स्प्लिट को आसानी से सीख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं वो सारी टेक्निक्स जिनका अभ्यास आपने जरूर करना चाहिए। और साथ में अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोस होते हैं जिनमें आपको काफी सारे आसन एक्सप्लेन किए जाते हैं या फिर आपको उनके नाम नहीं पता होते तो सब्सक्राइब करने से आपके पास वो अपडेट आ पाएंगे और साथ में आप लोग को कोई भी ऐसी वीडियोस होगी जिससे आपकी मदद होने वाली वो भी मिल पाएगी। तो दोस्तों, चलिए फिर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जब भी आप अपने मिडल स्प्लिट को करते हैं तो आपके साथ क्या प्रॉब्लम आती है? जैसे आप अपने पैर को स्लाइड करते हैं, यहाँ पर आके आप रुक जाते हैं। अब इसके आगे आपको जाना है, यानी कि इस तरीके से आपको स्प्लिट कर रहे हैं तो आपको ये जो मसल्स है इनसाइड हिप एरेक्टर्स के फ्लेक्सर्स, एरेक्टर के साथ साथ आपकी क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स, इनको भी स्ट्रेच करना पड़ेगा, तब जाके ही आपका स्प्लिट बहुत स्मूथली और आराम से आप कर पाएंगे। तो चलिए मैं दोस्तों, अब आप एक ऐसी टेक्निक करेंगे जिससे आपकी इनर थाइस मसल्स काफी स्ट्रेच होंगी। इस आसन का नाम है काइट पोज। चलिए देखते हैं कैसे आपने करना है। दोनों पैरों को आपने अच्छे से मिला देना है और फिर अपने बटेक को आप ड्रॉप करेंगे पीछे के लिए और हाथों को आपने लिफ्ट करना है ऊपर के लिए। जितना ज्यादा यहाँ पर रोकेंगे उतना ज्यादा आपकी ग्लूटस मैक्सिमस मीडियम पे स्ट्रेच आएगा। इस साइड से देखा तो दोस्तों, एक जबरदस्त टेक्निक है जिससे आप घर में बैठकर आराम से अपनी हैमस्ट्रिंग ओपनिंग कर सकते हैं। तो आपने कैसे करना है चलिए मैं दिखाता हूँ। अपने एक पैर को आप सामने ले जाएंगे इस तरीके से और दोनों हाथों को आपने साइड में रखना है। यू हैव टू प्लेस योर हील हियर बोथ एंड आउटसाइड। नाउ स्पाइन स्ट्रेट करते हुए एक्सेलरेशन डाउन एंड इनहेल आउट। सांस लेते हुए ऊपर आइए, सांस छोड़ते हुए नीचे जाइए। फिर लेग चेंज करना है आपने, यहाँ पर चेंज योर लेग, एक पैर सीधा रखा दूसरा साइड में एंड डू दिस वन टू। आप चाहे तो पीछे वाला हील पूरा टर्न कर सकते हैं, नी टर्न कर सकते हैं। यू विल गेट द स्ट्रेच ऑन हैमस्ट्रिंग और काफ मसल्स आल्सो। दोस्तों, एक और जबरदस्त टेक्निक है जिससे आप अपने दोनों बटेक्स को काफी अच्छे से ओपन कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं मसल्स का। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपने करना कि अपना एक पांव का नी इस तरीके से ऊपर ले जाएंगे और अपनी हील नी को इस तरीके से अपने चेयर के ऊपर टच कर देना है। दूसरा पैर का नी भी थोड़ा साइड में ले जाएंगे इस तरीके से और सामने देखना है प्रॉपरली और अपने हाथों को इस तरीके से सामने रखेंगे और बटेक को पीछे ले जाने की कोशिश करेंगे। कीप योर बटेक बैक साइड and stretch the inner thighs muscles. Relax करना है, फिर butterfly exercise करना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। अब आप क्या करेंगे, अपने चेयर का फिर से यूज करेंगे, अपने एक पाँव को इस तरीके से बीच में रखना टो को और फिर आपका जो नी होगा इसको बेंड करना, राइट हैंड से आपने अपना राइट लेग पकड़ फिर नेक्स्ट साइड करोगे अपना दूसरा चेंज के लेग, लेफ्ट हैंड इनसाइड राइट हैंड आउटसाइड एंड ट्राई टू गो डाउन। दोस्तों, एक बेहतरीन टेक्निक है जिससे आप अपनी मसल्स को थोड़ा और स्ट्रेच कर सकते हैं, इसे हम आपका डायनेमिक टेक्निक कहेंगे। इसमें आपको एक चेयर या फिर बेड के ऊपर हाथ रखकर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोनों हाथों को इस तरीके से आपने अपनी वॉल पे रखा और फिर अपनी हील को आपने स्लाइड करना है नीचे जाते हुए इस तरीके से, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और फिर ऊपर जितना हो सकता है उतना ट्राई करें और वापस फिर जाए और फिर ऊपर। अगर आप बैठते हुए ऐसे जा रहे हो और ऐसे गिर जाते हैं नीचे के तो दोबारा उठिएगा जैसे कि मैं उठ रहा हूँ और फिर आपने ट्राई उतना ही स्लाइड करें एक बारी में जितना आप कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं करना है और फिर जैसे
तो ये सारे टेक्निक्स अगर आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पक्का रिजल्ट मिलेगा और काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा। जैसे कि आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस के स्टूडेंट्स देख सकते हैं जो पहले ऐसे थे और आज काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट उनको देखने को मिल रहा है। प्रैक्टिस आपने डेली बेसिस पे भी करना है, साथ में आप कुछ दिन में यानी कि एक हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार तो आप घर पे जब प्रैक्टिस करें तो रिलैक्स भी लीजिए, 3 बार 2 बार हफ्ते में रिलैक्स भी लेना चाहिए। बाकी प्रैक्टिस आपने काफी ईमानदारी से करना है, ऑनेस्टली प्रैक्टिस करिए और कभी गिव अप नहीं करना है। सो यू विल बी गेटिंग योर रिजल्ट इफ यू प्रैक्टिस प्रॉपरली विदाउट एनी टेंशन। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और चैनल पे नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप चाहते हैं हमारी क्लासेस ऑनलाइन ज्वाइन करना, मुझसे सीखना चाहते हैं डायरेक्ट, तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।